हेलो नमस्ते प्रणाम। आप लोग द कोरल भोजपुरी देख रहे हैं। आज महेश पांडे के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। महेश पांडे और पंकज सिंह में क्या अंतर है? तो पंकज सिंह एक बहियात गाना खेसारी भैया के बेटी के ऊपर गाया था, तो बहुत बड़ा गलती किया था। रहा बात महेश पांडे का, तो महेश पांडे एक अच्छा यूट्यूबर हैं और थे भी, वीडियो अच्छा बनाते थे। उनका वीडियो मैं रोज़ देखता था, क्योंकि हम खेसारी लाल यादव भैया के बहुत बड़ा फैन है, और पवन भैया के भी। दोनों लोगों के लिए अच्छा अच्छा वीडियो मैं लाते रहता हूँ। रहा बात महेश पांडे का, तो महेश पांडे खेसारी लाल यादव के फुल सपोर्ट करते थे। करना चाहिए, अच्छी बात है, हम भी करते हैं। पवन भैया के लिए बुरा बोलते थे, यही गलती करते थे। उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, डायरेक्टली किसी के फैमिली के ऊपर बोलना, उनको डायरेक्ट टारगेट करना। हाँ, आपको अगर बोलना है, आपको गलती लगती है किसी स्टार में, तो आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं। उनको बोलिए कि भैया आप यहाँ गलती कर रहे हैं, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसा गाना लाइए। मतलब आप प्रेजेंट कर सकते हैं उस तरीका से जो उनके अंदर खामियां है या गलती है। रहा बात ये डायरेक्ट ही बोलते थे, अब बोलने के बाद इन पे हुआ कार्रवाई, इनको भी पकड़ा गया। जैसे पंकज सिंह को पकड़ा गया था, पंकज सिंह को मार भी दिया गया था, इनको मारा पीटा नहीं गया है। अब इनके ऊपर केस हो गया है। अभी महेश पांडे कहाँ हैं? तो हम चाहते हैं कि महेश पांडे फिर से आए और वीडियो बनाए खेसारी भैया के लिए, और पवन भैया के लिए भी अच्छा अच्छा वीडियो बनाए। दोनों लोगों के लिए अच्छा वीडियो बनाए, भोजपुरी के लिए अच्छा वीडियो बनाए। मेरा यही निवेदन है, और हम चाहते हैं कि वो फिर से यूट्यूब पे आए और अच्छा अच्छा न्यूज़ देते रहें भोजपुरी से जुड़े हुए। बाकी आप लोगों का क्या राय है? हाँ, रहा बात पंकज सिंह, पंकज सिंह जैसा मतलब गायक, हाँ, वो सोचा था कि हम बड़ा स्टार बन जाएंगे, बन सकता था अच्छा गा करके, अच्छा करके। किसी के बेटी बहन के ऊपर बुरा भला गाना गाइएगा तो पब्लिक भी भाई जानती है ना कि ये कैसा गायक है, सिंगर है, तो ये क्या आगे जाके कर सकता है पब्लिक के लिए, या अपने समाज के लिए, या अपने भोजपुरी के लिए। तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। छूट के आ गया है, वो भी गांव पे है, अपने जेल जेल से आ गया है। अब रहा बात महेश पांडे, तो महेश पांडे जी से निवेदन है कि आप जैसे अपना केस से निपटारा लेते हैं तो अच्छा अच्छा वीडियो बनाइए आकर के, और भोजपुरी के लिए अच्छा अच्छा बोलते रहिए। पवन भैया और केसर भैया दोनों के लिए अच्छा बोलिए, यही निवेदन है आपसे। बाकी आप लोग क्या कहिएगा? भाई के लिए बहुत आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे वीडियो देख रहे हैं, और भाई को सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर रहे हैं, तो दबा के सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। आप लोगों से यही निवेदन है, और भाई को सपोर्ट करते रहिए आप लोग थोड़ा सा। ठीक है, चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।